भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, भैया खिलाड़ी। पैसे के इस संसार में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक कमाने वाले और दूसरा खर्च करने वाले। लोग इन्हें पति पत्नी के नाम से भी जानते हैं। शादी जिंदगी का ऐसा मोड़ जहां एक कमाने वाले को एक खर्च करने वाला मिल जाता है, और कुछ लोग तो कमाते ही शादी से हैं, जैसे हमारे चंपकलाल देसाई। आज तक 475 शादियां करवा चुके हैं, 500 भी करवा चुके होते हैं, मगर जब से अपने बेटे को जॉइंट वेंचर में लाए हैं, उसने कई शादियों के जॉइंट्स खुलवाए हैं। उसे भी मिलवाते हैं आप अभी थोड़ी देर में। बेटा तो खुश तो है ना इस शादी से? जी पापा। अरे बिटिया रेडी टू गो टू मंडा। चंपकलाल जी, क्या लड़का बताया है आपने, क्या कुंडली मिली है दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद तो ऊपर वाले का मकर लगता बारात आ गई। एक मिनट अंकल जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदद की। अगर आप नहीं होते तो मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल पाता। अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ कि कुंडली मिले या न मिले, दिल मिलना बहुत जरूरी है। जी अंकल जी। और शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना छूट तो चलता है। हाँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है अंकल। ऑल द बेस्ट। यह है मनसुख देसाई, अपने चंपकलाल देसाई के सुपुत्र। धूम मचावे, रंग जमावे, जी 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 रे। ये मंडप में ले जा। जी जी हाँ। हाँ जिग्नेश बोल, शुरुआत करे छे। लड़का तो अच्छा है, कुंडली नहीं मिलती, मैं मिलवा दूंगा। ऐसा झूठ, कुंडली मिले ना मिले, दिल मिलने चाहिए बस। एक बात बताऊं, आज जो मैं शादी करवा रहा हूँ ना, उसमें लड़की का बाप लव मैरिज के सख्त खिलाफ था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नाटक किया कि लड़की का बाप समझता है कि ये सब अरेंज मैरिज है। अब शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना जोड़ तो चलता है ना। तू फिकर मत कर, मैं सब सेट कर दूंगा। अच्छी बात कर चुआ। अरे बजाओ ना, शादी ब्याह का मामला है। आपके बजाना से तुमने तो सबकी बजा दी। हे पिपुड़ी बगाड़ी ना की ढोल मारो फाड़ी ना क्यों मनसुखिया दे। चंपकलाल, ये शादी नहीं होगी। सुख भाईनी तो भरे लागी गई। लागी गई बैंड के साथ गा के बोलते ने नाटक किया डफोर संग। मैं 500 शादियां नहीं करवा पाऊंगा, मगर तू 500 शादियां तुड़वाएगा जरूर। बोला ने
तू सॉरी बोलती ना इसके जन्म से पहले कि चंपक भाई आई एम सॉरी तुमको औलाद नहीं दे सकती तो सुकून तो मिलता मेरा नुकसान किया। अरे जवाब दो ना, चुप, निकल यहाँ से। निकलने वाला लड़का मुझे काम नहीं चाहिए। निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से। पापा प्लीज, पापा आई एम सॉरी, पापा 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 और संग नालायक हल्का गधेड़ी ना निकाल। पापा आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है, हमेशा के लिए बंद है, हमेशा के लिए बंद है। लगन करवा वाड़ा बाप ने लगन तोड़वा वाड़ा केवो थे उसे। बाप शादियां करवाते करवाते थक गया मगर ये तोड़वाते तोड़वाते नहीं थका। आज तो इसका खेल ही खत्म हो गया। चलो अब बहुत तमाशा हो गया, अब खत्म करो। मनसुख भाई लागी गयो। गुड टाइम शुरू। कोई नहीं, अपने भद्रपाजी इनकी हड्डियां तोड़ देंगे साफ बराबर। चलो क्या बात है उस्ताद जी, असली घी के डब्बे में असली सोना। ओ बिल्लो बादशाह, ये तबेला खोल के तूने बहुत बढ़िया काम किया यारा, बहुत बढ़िया। उस्ताद जी सफेद दूध की याड़ में काला धंधा बहुत जोर का चल रहा है पाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए कंजरा, हां जी, दरवाजा बंद करो। के पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते हैं। तेरे जैसे कितने ही पुलसियों को गायब कर चुका हूं मैं। उस्ताद जी कहां गए, कहां गए उस्ताद जी, उस्ताद जी कहां हो आप? कूड़ा ढूंढ रहे हो तो कूड़े दान में ढूंढो। उस्ताद जी आप यहां? ओ मैं यहाँ कैसे? पाजी हमने कुछ नहीं देखा। हा? दुनिया में तीन चीजें होती जरूर है लेकिन किसी ने देखी नहीं, भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और बहतर सिंह की रफ्तार। ओए मारो।
पाजी हुण ते दस दियो तुसी हो कौन? नाम 72 जिला मलखानपुर गांव तासी, सर पे हाथ रबदा, हाथ में 786। ओए, गुरदासपुर वालों का क्या हुआ? ओ पाजी, आया था गुरदासपुर वालों का फोन, और वो ना बोलना, उन्होंने भी अपनी बेटी से आपकी शादी के लिए मना कर दिया। पाजी यार, ये अपनी लड़की कोई देता क्यों नहीं मुझे? आप चिंता क्यों करते हो पाजी? देखना, लड़की तो आपको ऐसी मिलेगी ना, पूरा जमाना देखेगा। ओए, जमाना क्यों देखेगा? सिर्फ मैं देखूंगा। ओ बता रे। ओ बोल जुगनू। ओ इन पैसों का क्या करना है भाई? गांव वालों में बांट देने। बांट दे? ओए वीवी हजार की एक भैंस है। ओए भैंस ना करो, इतने बड़े मुजरिम पकड़े हम लोगों ने, गांव वालों में बांट दे भैंस, उनका दूध पिएंगे, हमें दुआएं देंगे, और इससे भी खतरनाक मुजरिम पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो तबेला भेज देता हूँ। और नहीं, ओए यहाँ बच्चों के लिए पाठशाला खुलेगी। पाठशाला? हाँ, स्कूल। सब कुछ तो बांट देता है, इसीलिए तो इनको खिलाड़ी भैया बोलते हैं। बाबर में भैया कब आएगी वो नैन लड़ैया, जो बोलेगी हमको सैया, तारे गिन गिन कर इंतजार में हम बेजुबाब रा बन गए भैया। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। अपना परिवार है मल्टी कलर, हर देश से है दुल्हनिया। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। ओए सुखी, ओए इसको पूछना ब्याह करेगी? ये तो सिमरन ना, इसने 4 महीने पहले शादी से मना कर दिया। तो फिर नाच गा क्यों रही है मेरे साथ? मैं इसके बाप का मालूम? हद हो गई। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो। मनसुख, आज सुबह सुबह एक बुढ़िया आई, कहने लगी अमोल पालकर जी 4 फुट कफन दे देना। यार मनसुख, क्या मैं वाकई अमोल पालकर दिखता हूँ क्या? मनसुख, हेलो यार, मैं अमोल पालकर बन गया हूँ, तू क्यों शराबी का अमिताभ बच्चन बना बैठा हुआ है यार? चल शराब छोड़ दे। बचपन से लेकर आज तक छोड़ता ही आया हूँ जीवन। बैग उठाकर पढ़ने गया तो मास्टर ने कहा स्कूल छोड़ दे। बैट बॉल उठाकर मोहल्ले में गया तो बच्चों ने कहा खेलना छोड़ दे। स्कूटर उठाकर घर से बाहर गया तो पड़ोसी ने कहा मलाड़ तक छोड़ दे। और आज पापा ने कहा घर ही छोड़ दे। ए हेलो हेलो, मर जाएगा भाई, डाई हार्ड टाइम। ये दुकान ना मैंने मरने के बाद का सामान बेचने के लिए खोला हुआ है, मगर मैं मुर्दे नहीं उठाता। तू मुर्दे नहीं उठाता जीवन, और मैं अपनी बेइज्जती का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं यार। एक शादी नहीं करवा पाया मैं आज तक, एक शादी, एक दुल्हन भी मेरी वजह से फूलों से सजी गाड़ी में नहीं बैठी आज तक। अरे इसको कोई कंट्रोल करो, शी इज आउट ऑफ कंट्रोल।
खराब हो जाता है जीवन की बात है। तेरी जिंदगी सुधर जाएगी यार। ए बेवड़े, दिखता नहीं क्या मुझे घड़ी की वाट लगा दी तेरे तो किसे बेटा अगर जाओगे बेवड़े ते तूला सांगे था ना चुप बैठने का तेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी वजह से? लेकिन मैं तो आपसे लगन करने आया हूं। मेरे से लगन करेगा तू? देवाशपथ। इंदु तेंदुलकर से? चल पतली गली पकड़ के निकल ले। पोरा चकड़े ओलास ना तू। चल बट ले। इंदु मैं क्या बोलता हूँ? लेकिन बेला औरता माजी सटकली कौन था तू? बेला इंदु इस तो गन नॉट फॉर फन। साइको है किस साइको है कौन लगन कर रहा तू जाजी? देखा जीवन, मेरी वजह से एक और दूल्हा भाग गया यार। हाँ यार, तू जहाँ झांकेगा दूल्हा वहीं से भागेगा। अब बोल किसने किया ये? किसने? क्या किया लोगों ने? साले ने गाड़ी तोड़ दी। अब बैठिए, बैठिए गाड़ी में आप। नहीं भगतो, चलिए बैठिए आप। ए, कौन है वे तुम लोग? जी मैं ही वो दुकान चलाता हूँ, यहाँ बैठ के दाढ़ी बना रहा था, बहन जी ने गाड़ी ठोक दी है ना। और तू? मैं मनसुख देसाई, लोगों का बैंड बजाता हूँ। हमारे यहाँ इसे शादी कहते हैं। जी मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ। जब इतना बढ़िया खिला ही रहे हैं तो यहाँ नाश्ता कर लेते हैं, घर चल के नहा लेंगे। एक दिन में गौर थोड़ी नाराज होता है, क्या बोलता है? भाव आ गए। हाँ यह है टीटी। 20 सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर इनका राज है, मगर इसके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिला। इसमें भी कोई राज है। टीटी के खिलाफ जो गवाह था वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब। मौत से आप एक बार बच सकते हैं, मगर टीटी से नहीं। देखिए टीटी कैसे बजाता है लोगों की सीटी, आज रात 10:30 बजे सिर्फ जागो भारत टीवी पर। हमारा नाम टी है, तात्या तुकाराम तेंदुलकर। जी सर, आपको कौन नहीं जानता सर? कौन नहीं जानता बताओ, अभी जान जाएगा। हमारा नाम तात्या तुकाराम तेंदुलकर ऐसे ही नहीं है। तात्या ने ताकत दी, तेंदुलकर ने शोहरत। इंदु की शादी के लिए ये पूछ रहा है कि तुकाराम ने क्या दिया? जन्म दिया बे, और क्या दिया? सुना है तुम शादी कराता है? हाँ सर। मेरी बहन इंदु को तो तुम देख चुके हो। लंदन से पढ़ाई किया है, 10वीं तक। 10वीं तक सर? वाह सर, 10वीं तक, वरना आपकी बहन को पढ़ने की क्या जरूरत है सर? वही समझाता हूं कि एक जगह बार बार जाने से कोई इज्जत नहीं रहती, समझती नहीं है? बोलता हूं जो तेरे को डिग्री चाहिए बोल, मैं घर पे लाके देता हूं। बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है। अब आप जैसे बड़े लोगों की बहन जिद्दी नहीं होगी सर, तो मनसुख थोड़ी होगा सर। देखो मनसुख, इंदु की शादी के लिए जो कुछ भी होगा ना अपन करेगा, लेकिन अपन को एक शरीफ खानदान चाहिए। शरीफ है ना, है ना शरीफ खानदान? शरीफ खानदान है सर, ले आऊंगा मैं। 10 दिन दीजिए मुझे, मैं शरीफ खानदान ले आऊंगा आपके लिए। 10 दिन क्यों? 13 दिन मांग, 13वीं करवा के निकलेंगे यहाँ से। जीवन
जब मैं क्लाइंट के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। आहिस्ता। अंकल है सर, जीवन दसवीं तक ही पढ़े ना, इसलिए मैनर्स थोड़े से कम है सर। दसवीं तक लेकिन धौलतपुर म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से सर, लंदन म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से नहीं सर। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे शरीफ खानदान का ही लड़का चाहिए। हाँ सर। ये लो 2,00,000 रुपए एडवांस। और मनसुख, प्रॉमिस तोड़ने वाले लोग हमें पसंद नहीं है। दुनिया में चाहे हर काम अधूरा करो, लेकिन टीटी को प्रॉमिस किया हुआ वादा जरूर पूरा करो। हाँ हाँ सर, मुझे मालूम है, मैं दिन रात टीवी पे न्यूज चैनल ही देखता हूँ सर। 10 दिन में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। नहीं तो टीवी पर 13 बैड न्यूज आ जाएगा। 10 दिन में दूल्हा ढूंढना, नहीं तो उसके बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। 10 दिन, समझा? टीटी नाम है उसका, टीटी, वो भी जहन्नुम जाने वाली ट्रेन का। बेटा किसी दूसरी गाड़ी से बच भी सकते थे, लेकिन ये टीटी एक्सप्रेस देखना हम पर चढ़ाई करके ही रहेगी। अरे अपने पिछले कर्मों से कुछ तो सीखो भाई। अजीब सी जिंदगी बना रखी है, न जी पा रहे न मर पा रहे। हेलो, नोट गिनने की मशीन, उस पगलेट लड़की के लिए कहाँ से लड़का लाओगे? कोई है दूल्हा? कोई है? दूल्हा है जीवन, दूल्हा है। उस बिगड़ी घोड़ी को एक ही आदमी संभाल सकता है, 72 सिंह। अरे अब ये 72 सिंह कौन है भाई? खिलाड़ी 786। कुछ महीनों पहले मैं और पापा शादी कराने पंजाब बॉर्डर के पास गए थे, वहीं मिला था वो। ओ पप्पी, ओ पुतनी दे, ओ कांच के गिलास ला यार, हटा इनको जल्दी। या कंजरा नू दे दे। ओ तुम लोग क्या बॉर्डर पे खड़े हो यार, ओ मूड बना लो, बैठो। और कुछ चाहिए बेटा? ओ पप्पी तू शेती कर गिलास ले, मूड बनाना है। ओ तेरी गलती का इंतजार करूंगा क्या? ट्रक में क्या है? है जी? ट्रक में क्या है? ओ इसके दूसरे कान में बोल। ओ साहब जी पूछ रहे ट्रक में क्या है? ओ जी होना क्या है? गेहूं चावल है? है जी? गेहूं चावल, गेहूं चावल। सुखी सर चेक करी। पापा भाई अपने को सूरवीर बनने की जरूरत नहीं है, महाबली आ गए हैं, पीछे हट जाओ। ओ साहब जी, ये गेहूं की बोरियों में तो ये मोबाइल और घड़ियां भरी पड़ी हैं। चुप पीछे चुप। पापा स्मगलिंग दो माल। चौधरी तो और रुको टोपी। अरे पापा, पापा। अरे डफोर संग फिर से तेरी वजह से फंस गया मैं। पापा। अरे मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। ए भाई मारना नहीं है मेरे। अरे चुप कर यार। भाई गलत हो जाएगा। ओ दरोगा। ओ चुपचाप चला जा यहाँ से। ओ काके, पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं, ना ही चुपचाप जाते हैं। चुप नहीं रहेगा तू? है? तू बोल, बोल फिर क्या करेगा तू? मेरा तपंचा कहाँ गया यार? ओ ये सब क्या हो गया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई। मैंने भी कुछ नहीं देखा। देखो जी, तीन चीजें दुनिया में होती तो हैं पर कभी किसी ने देखी नहीं है, भूतों का संसार, सच्चे वाला प्यार और 72 पाजी की रफ्तार। रफ्तार तो इसकी भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू, आपने पापा की जान बचाई। कुत्ते डॉग, चुप।
ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ने? लगती है जी बहतर पाजी के दुश्मनों को, इनको तो कोई छू भी नहीं सकता। बहतर पाजी को कोई खरोंच भी मार दे असंभव है जी। आपकी शादी हो गई? रुद्रपुर वालों को क्या हुआ? फोन आया उनका? की कहने ने? सेम ही स्टोरी है जी। उन्होंने तो बड़ी बेइज्जती के साथ मना किया जी शादी करने के लिए। नहीं जी, नहीं हुई। आपको वादा ना हो तो पूरे भारत के साथ एक फोटो निकालेंगे। भारत के साथ? नहीं, बारात के साथ। ओ, पूरी बारात के साथ। देखना जीवन, बहत्तर सिंह की शादी इंदु के साथ होकर रहेगी। अरे लेकिन तू तो कह रहा था वो पुलिस वाले हैं भाई। शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है। टिकेट टिकेट टिकेट। कहाँ जाना? तासी। तासी? तासी किसके घर जा रहे हो आप? बहत्तर सिंह। ओ बादशाह, बहत्तर पाजी के घर जा रहे हो आप? तो टिकट थोड़ी ना लूंगा मैं आपसे। शरीफ खानदान। बड़ा ही शरीफ खानदान है जी। आज सवेरे ही रिश्ता पक्का करके गए हैं। आप समझ लो सत्तर पाजी के मेरी सिस्टर का घोटे टाइम शुरू हो गया। लड़का शुद्ध हिंदुस्तानी है, प्योर ब्रीड। लो जी मुठा करो। ओए बड़ा सोना मौका तूने गुआ दिया है जुगनू। है? ओए आज हमारी दोस्ती ना रिश्तेदारी में बदल गई होती। कैसे? ओ कैसे क्या, ये देख। ओए गबरू जवान, तो देख ये खड़ा हमारे सामने। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। सत्तर पाजी, ओ मुंह ना खुलवाओ मेरा। ओए रिश्तेदारी ताकत वालों के साथ नहीं, शराफत वालों के साथ की जाती है। आपने आज तक ठगी, फांदेबाजी, लूटमारी के अलावा कुछ किया है जो कोई अपनी बहू बेटी आपको देगा? ओ पाजी, देखो आपको इसके वास्ते ना हिंदुस्तान से तो दुल्हन मिलेगी नहीं, आप इसके वास्ते कनेडा, अफ्रीका, चाइना से दुल्हन मंगा लो ना। ओए जो आपके खानदान का रिवाज है। ओए मेरी दी हुई पुलिस की वर्दी को पहन के खुद को असली पुलिस वाला समझ लगे हो क्या? नकली पुलिस वाला ही सही, लेकिन काम तो हम लोग असली का करते हैं ना। ट्रक का माल पकड़ के तुझे ही देते हैं। ना तो कौन सा एहसान करते हो, आधा हिस्सा भी तो देता हूँ तुमको, वो भी ईमानदारी नाल। आ लो 1.5 लाख परसों के ट्रक का। आ लो 50,000 और रखो, नवी वर्दी सिलवा लेना। कुश्ती कर करके वर्दी का सत्यानाश कितना है। ओ बतर बात सुन भाई। क्या खबर आई है? 4 दिनों में ट्रकों का बहुत बड़ा काफिला आने वाला है। रेडी रहना, करोड़ों के बारे नहीं आ रहे हैं इस बार। परमानेंट गुड टाइम शुरू है जी। चंगा जी रखो, ए भी रखो, सत श्री अकाल। रेडी हां वीर जी? सी तेरे झट्टा दे रहा बतरे जी। बाबू जी अले ये 50,000 रुपया जाके तू संते को दिया, उसको जरूरत है, वो बीज वूज खरीदने उस दिन। बाबूजी हाँ, जुगनू के सामने ना मेरे ब्याह के बारे में मत बात किया करो। अरे काका जी नहीं बाबूजी, बड़ी बेइज्जती होती बाबूजी। भाई गुरु ने चाहा तो रिश्ता खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। खोदा पंजाब निकली चाइना क्या है जी? क्या ये मुंबई से आए तो सर पे बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो बत्तर जी के लिए रिश्ता लेकर आए। मैं जी सत्तर सिंह। हेलो जी, मेरा छोटा भाई कत्तर सिंह। सत श्री अकाल। हेलो जी, नमस्ते। और मेरे बेटे बत्तर सिंह से तो मिल ही चुके हो? हाँ जी, हाँ जी मिल चुका हूँ। और ये कत्तर सिंह का बेटा चौहत्तर सिंह, फतेह बुला पुत्र। जी ये कह रहा है कि आपने 73 मिस कर दिया। हाँ, मैं गिरी चेचरे। चल क्यों? मेरा बेटा 73 सिंह बचपन में माघी के मेले में खो गया था। ओह शिट, सच अ टची स्टोरी। आप लस्सी लाओ जी, लाओ लो लस्सी लाओ। पांक लस्सी पी लो। पांक पांक पांक। कैसी लगी लस्सी? चीनी कम है जी। दो ही तो है जी बस, एक मेरी वोटी है और दूसरा मेरा पुत्र। So sweet. आपकी पत्नी चाइनीज? और जी मैं चांदनी चौक में काम करता था। आ,
और मेरे बगल में इनकी चाइनीज मोबाइल की दुकान थी। एक दिन कुछ लोग इनकी दुकान में झगड़ा करने के लिए, मोबाइल खराब, बोले तुम चाइनीज हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं सहन नहीं करूँ। क्या हुआ? ये चाइनीज है। मैंने उसी वक्त अपना अंगूठा काटा और इनकी मांग में भर दिया और कहा, ए चीनी नहीं, सिकनी है, सिकनी। लो जी फिर हो गया गदर। वाह पाजी वाह, क्या माता दी, वाह वाह। नमस्ते। मेरी वोटी ओलिविया मार्टिन कौर। कैन आई जस्ट से, ओ 32 साल पहला मैं कनाडा में टैक्सी चलाता था। एक दिन मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते में वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ा। ये मेरी गाड़ी में आई, घर तक चली आई, बस फिर क्या था, हो गया कांड, वापिस ही नहीं गई। लड़की की फोटो, ये जी सुंदर है ना, जैसी हम चाहते थे वैसी हिंदुस्तानी। सोने है। इसका पियो क्या करता है? जी लड़की के पिता नहीं है, एक बड़ा भाई है। आप ही के जैसा काम है, पुलिस में है ना जीवन, पुलिस में। हाँ पुलिस पुलिस। क्या जी? पुलिस में जी, पुलिस पुलिस। कौन मेरा झूप होता है? पुलिस वालों के डकैत आ गए, चल चल। वो मेरा सिया था किधर है? अरे तो पहले ही कहा था कि गलत एड्रेस आ गए, तू ही लाया मुझे यहाँ पे। ये काशी है भाई साहब। हाँ ओ सॉरी, हमें तो काशी जाना। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, क्या हो गया? अरे ना ना ना, ये क्या कर रहे हो? ये 73 को लेकर नहीं गए थे? ये अच्छे लोग हैं, हमारी तरह रिश्ता लेकर आया भत्रे का मुंबई से। भत्रे का रिश्ता लाए? ये मेरी माँ है, मार्केट मंडेला कौर, बाउजा अफ्रीका से लाए थे। जब से 73 गुम हुआ ना, तब से मेरी माँ घूम गई है। बाउजी सारा काम करता है, पैसे देते। ओए मंसूख, ओ तू यहाँ क्या कर रहा है? आपके लिए रिश्ता लाया हूँ पाजी, पुलिस वालों का। ओ भौजी पुलिस वाले? ठंडे रखे, ना खुश होने की लोड़ नहीं है। बतरे की माँ, जा छोटी को ले जा, इनके खाने वाने का इंतजाम कर। ओहो जी चलिए। चलो भाई प्रणय, आप लोग भी कुकड़ मुर्गे पालो। अरे वेजिटेरियन ना, ते जाओ मूली पालो पाल लो। चलो भाई सुखी जी, इनकी मालिश वालिश का इंतजाम कर यार। वो सब तो ठीक है, आपके यहाँ कोई कुत्ता तो नहीं है ना? नहीं नहीं, खुद ही काट लेते हैं कभी जरूरत पड़े तो। जी की कर रहे हो तुसी? की पुत्र, पुलिस ते खानदान ने जिया हो रहा है मेरा। ओए पुत्र, पुलिस वालों में भी चोर होते हैं, उन्हें लगता है पुलिस वाले हैं, लेकिन चाचा जी अगर उनको सच पता चलेगा तो हमारे खानदान की गिनती कम कर देंगे। बच्चे बोल, अभी तक मेरे सीने के ऊपर 73 के गम का बोझ है। वाहे गुरु ने ये रिश्ता भेजा है, सच्चे पातशाह सब ठीक करेंगे, बस तू छेती छेती शादी कर ले। और मेरे हाथ में ना मेरा पोता 75 सिंह, दे 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 75 सिंह। ओए तू अपना हाथ देखना बंद कर, ते इसको देख जिसका तूने हाथ थामना है। जिससे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। आह बात ये सच्ची आज तुझको बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूरियां मिटाऊं। बस तेरे लिए मैं ये गीत लिखते जाऊं, दिन रात ही मैं इन्हें गुनगुनाऊं। फोन में फोटो तेरी देखूं बारी बारी, जी करदा जावा मैं मार के उडारी। मैं कितना तनहा तनहा, लोनली लोनली तेरे बिन। ओ बावरिया तेरी याद 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 मैं, तेरी याद 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 मैं, तेरी
याद 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 मैं तड़पे जिया ओ बावरिया ओ बावरिया। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। सांसों में आंखों में नींदों में खाबों में तू ही तू ओ बावरिया। तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तड़पे जिया ओ बावरिया ओ बावरिया। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। जितना मैं भूलना चाहूं तेरी यादें ना दिल से जाती है। कोई ना कोई कनेक्शन है जो मेरी नींदों को चुराती है। तेरी साथ है याद मैं तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तड़पे जिया ओ बावरिया ओ बावरिया। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। भाजी देखो बत्र कैसे नाक से गाना गाता हुआ रहा। बस वीर जी इस बारी दी शादी कोई रुकावट ना आवे। अरे गांठ से मैं बांध ही दियांगा। आज आजादी का दिवस है लेकिन मेरा मानना है कि आजादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं बल्कि आजादी यहां से दिल से महसूस करनी चाहिए। अब मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच आके दो शब्द कहें। प्यारे भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को आजादी के दिन की बधाई देता हूं। आज आजादी का दिवस है इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मेरे रहते कुछ लोग यहां से आजाद हो और जो लोग आज यहां से आजाद हो रहे हैं उनके नाम हैं किशोर राणे, रामपाल सिंह और आजाद रेड्डी। मेरी पार्टी चाहती है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार भी मदद नहीं कर पा रही वो लोग हमारी पार्टी के पास आए हमसे मिले। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी उनकी पूरी पूरी मदद करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आजाद होने की हार्दिक बधाई। आजाद होने की हार्दिक बधाई। आई आई आपको भी हार्दिक बधाई। आप ही ने तो कहा था ना कि शरीफ खानदान का लड़का चाहिए। डोकियाची आई बहन करुणा कोस पुलिस खानदान में शादी कराएगा अपन को जेल भिजवाएगा। तू गेला तू आता गेला रे गेला तू
वाह मिस्टर टीटी वाह, जीवन तो बिल्कुल सही कहता था, इनकी बात बात और हमारी बात गधे की लात। शरीफ खानदान का लड़का होना चाहिए यही कहा था, और ये शरीफ है, ऐसा तो नहीं कहा था कि पुलिस में नहीं होना चाहिए। अरे इतने कंडीशंस लगाकर तो वीजा नहीं मिलता जितने में आप जीजा ढूंढ रहे हैं। दूल्हा चाहिए स्टार कंडीशंस अप्लाई। एक तो आपके रेपुटेशन की वजह से वैसे ही आपके घर में कोई शादी करने को तैयार नहीं है, अगर कोई बेचारा फंस जाता है तो आपकी बहन उसकी मां बहन एक कर देती। अरे आपको तो ऐसा लड़का चाहिए शरीफ होने के साथ साथ जो इंदु जी को संभाल सके, और ये बिल्कुल वैसा ही है, दिलेर है, खानदानी है, शरीफ है। इनकी शराफत के चर्चे इतने हैं कि इनकी गांव के बस में इनका नाम चलता है, टिकट नहीं चलता, लड़कियों की लाइन लगी हुई है इसके लिए। और ये भी वैसे नहीं मिला, झूठ बोला मैंने आपके लिए कि आप पुलिस में। क्या? हाँ, उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा क्या, तो मैंने कहा कि हाँ आप पुलिस में, और आपने मेरी इतनी मेहनत को पानी में कर दिया सर। ए भक्तावर गोली चला, पहले जीवन को मार, फिर मुझे मार। ए, 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 ए। थाम। क्या बोला तू उनको कि मैं भी पुलिस वाला हूं? हाँ। मुझे मंजूर है। लेकिन तेरे इस झूठ का अगर किसी को पता चला और मेरी बहन की शादी तक कोई प्रॉब्लम आई तो तुझे एक सीख मिलेगी। कैसी सीख? वो सीख जो तुम दोनों के अंदर डाल के मैं सीख कबाब बनाऊंगा। जी सर। कब आ रहे हैं वो लोग? 2 दिन बाद। भैया जी भाई रूट्स फ्रेश लग रहे हैं ना। सर आपको मुंबई पुलिस का ये स्लोगन याद करना है, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय मुंबई पुलिस जय। प्लीज इंदु बीबी के लिए। सब ठीक हो जाए, खली आ जाए मुंबई। होएगा होएगा, कॉन्सेंट्रेट। सदाशिव अमरापुर कर पुलिस चौकी 17 का काला नाका पुलिस। अरे कायरे माई काय करूंगी, सह निर्देशक खलनायक सदर रिची हम ये नहीं होगा। वो क्यों बत रहे किधर? वे 2 घंटों में ट्रकों का काफला आ रहा है भाई। जुगनू तू फिकर ना कर, तू चल मैं आ रहा हूँ। मैं तू जा कर रहा है? और इनको नुक्कड़ पे छोड़ने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, तू चल। जो बोले सोनिया। देखो ना। अरे कहाँ यार? ओ हेलो। लाइन में। अटेंशन अटेंशन, भारत माता की जय। जय। ओ जी पाजी, कौन सा शहर चल रहा है? ओ लल्लू लाल लाहौरी, ट्रक चल रहा है, शहर नहीं चलते, वहीं खड़े रहते हैं। गुड टाइम गुरु। एक बत्तर कहाँ है? तेरी पे और रुक के तेरी तो और बत्तर। Happy birthday
da 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 आ आ ना कब तक तेरा बर्थडे जेल में मनाएंगे आजाद फिकर ना को नेक्स्ट हैप्पी बर्थडे होएगा ना अपनी खोली में ही होएगा क्या अरे मैं बहुत जल्दी बाहर आ रहा और तू देखना मैं सीधा घोड़ी पे ही जाएंगा फिर नाला सफारा में होएगी शादी और बांग्लादेश में होएगा हनीमून बांग्लादेश 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 तीन साल से सुन रही मैं अगर ऐसा ही रहा ना तो इस बार टीटी भाव एक पुलिस वाले के साथ मेरा लगन करा देगा आजाद को हुल दे रही क्या जा आशीर्वाद कर ले जा नहीं कर सकती ना क्योंकि मैं जानती है कि गुंडे की बहन का लगन एक गुंडे के साथ ही हो सकता है वरना बाद में सच पता लगने पर प्रॉब्लम ही होगी ना अरे तो जब उन लोग रिश्ते के लिए आएंगे तो बता देना सच क्या है हाँ वेरी गुड ताकि टीटी भाव भी तुम्हारे साथ इसी जेल में मिले सारे पुलिस वाले साले अरे तू टेंशन ना को माइकल आ रहा है ना बाहर बस वैसे वो लोग भी कल ही जा रहे हैं मगर उनका आना पक्का है हा? अरे तो मेरा भी पक्का है ना तू समझती क्या मेरे को अरे लिख के दू क्या वो लिख के दू तेरे को ए नर्सरीफेर तू क्या लिख के देगा बे चिल्ला तक आकर अरे अरे केक तो खाने दे अरे केक खाने दे अरे अपनी शादी होएगी आजाद अभी यार ये तो ट्रक में आ गए शुक्र मना के आ तो गए पुता यहाँ पहुंच गए हाँ जी बेबे चलिए चलो ओ सब लोग उतर जाओ मारो बम 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 मारे खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भाई इतने सारे लोग ओ ये तो हमारे गांव के ओ जाओ भाई मुंबई घूम आओ जाओ शादी के वक्त आना जाओ 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 पाजी वो तो पूछ लो ओ हाँ ओ धर्मेंद्र जी कितने रहते हैं धर्मेंद्र जी यही जू में ओ जू में रहते जाओ वही डेरा डालो जाओ ठीक है पादी जब भले सोनिया सत श्री अकाल धूम मचावे रंग जमावे जी 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 रे मन सुख भाई सुखी चल इन्नु तो छोड़ दे ओ बलमा पाजी इंदू जी आपको देखकर इतना खुश हो गई कि आपको फूल मार दिया ओ मैं जट गमला पगला दीवाना उनकी गली में हम आए अजीब इत्तेफाक है फूल तो फेंका उन्होंने मगर गमला भी साथ है वाह 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 ये कुड़ी का मामा लगता है एसीपी साहब आ गए सिर्फ पुलिस वालों की तरह बात करना और ये कतरे चक देंगे फट्टे संरक्षण आए खल निगराना है मुंबई पुलिस जय हिंद साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे बबला पुलिस जय हिंद क्या बात क्या बात क्या बात मैं टीटीटी तात्या तुकाराम तेंदुलकर तात्या ने ताकत दी और तेंदुलकर ने शोहरत और तुकाराम ने क्या दिया जी जन्म दिया है और क्या दिया है सॉरी ये अब उनका पुलिस टीम और ये अब उनकी मेड मिली नमस्ते और मिली का भाई भगत नमस्ते मेड परिचय पाजी ये भगत जी को क्या हुआ है अपन का मिस्टेक था अपन की गाड़ी इसको ठोक दी तब से इसकी हालत ऐसी है मगर टीडी भाई का दया देखना रे बाबा हम अनाथ भाई बहन को इतना बड़ा घर में लेके आया ये हमारी तो समझ में नहीं आता रे बाबा कि टीडी भाई का घर बड़ा है कि इसका दिल तेरे चरण छूता रे बाबा माए वाह 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 टीडी पाजी वाह आपने तो कमाल कर दिया टीडी पाजी मैं सतर सिंह ये मेरा छोटा भाई कतर सिंह और ये मेरा बेटा बतर सिंह और ये कतरे का बेटा चौहत्तर सिंह आपने 73 मिस किया आ, मैं, मैं की नहीं चले।
तेहतर सिंह, मेरा छोटा भाई तेहतर सिंह बचपन में माघे के मेले में खो गया था। बहुत याद आती है उसकी सर। छोटे जी, ये मेरी माँ है, मार्गेट मंडेला कौर, बाबूजी साउथ अफ्रीका से लाए थे, और वो कतरे की बीवी है, सिंग वांग कौर, चाइना से। बतरे की माँ है मेरी वट्टी, ओलिविया मार्टिन कौर, कनाडा से। सत श्री अकाल। जब से डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया है तब से, लेकिन तू साला आले राव कामली, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर ही रह गया। आले राव गेले राव ने आले राव कामली बोलते मेरे को, इंस्पेक्टर था है और रहेगा। कौन क्या करता भाई देखता है, पर तू एसीपी का वर्दी कैसे पहना है बोल मेरे को। यही मेरे को फिट आया, पहन लिया, लेकिन तू तो पागल हो गया। एसीपी हूँ तो एसीपी का ही वर्दी पहनूंगा ना, हवलदार की थोड़ी पहनूंगा। अरे तू हवलदार के वर्दी कभी लायक नहीं है, तू गुंडा है। गुंडा 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 गुंडा। हाँ, मैं गुंडा था, गुंडा हूं और गुंडा रहूंगा, लेकिन मेरे को गुंडा बनाया किसने? इस समाज के मुजरिमों ने, क्योंकि मैं क्राइम बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं मुजरिम को पकड़ता नहीं, सीधा टपका डालता हूं इनको। क्या मैं गलत करता हूं? हाँ, क्या मैं कोई गलत काम करता हूं? गलत करता हूं मैं, गलत? छी 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 छी, अब तक तो लोग इन्हें वर्दी वाला गुंडा कह के बुला रहे थे, अब इनका अपना डिपार्टमेंट ही गुंडा कह के बुला रहा है। वेरी बैड, ये कोई बात हुई? गुस्सा ना खा मनसुख वीर जी, मगर मुजरिमों को सजा देने का काम तो कानून का है ना। सर, सर आप वादा करिए कि कभी भी किसी मुजरिम को पकड़ोगे ना, उसको उसको उसका एनकाउंटर नहीं करोगे, उसे गोली नहीं मारोगे। माता रानी की कसम खा लो प्लीज। ये कसम वादे फूलर डाल के जा माला, क्या नाटक है रे, ए के डोके फिरेगा मेरे जा माला, कंफ्यूजन कर दिया। कौन है रे ये लोग? कामली का दिमाग गरम हो गया, थोड़ा ठंडा पानी पिला दे, ले जा। ठंडा क्या रे गुंडा, डंडा घुसने रे सर, लोकर घुस जा। चलो जय हिंद कामली साहब। मेरा पुराना दोस्त है, बहुत सालों से इंस्पेक्टर और मैं अचानक एसीपी बन गया ना, इसीलिए अंदर से आग आग जलन 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 चंगा, आपके थाने का क्या हाल है? थाने के बारे में मालूम नहीं, हम तो जू में रहता है ना। बहुत सुना मत बोले, आपने अपना घर खूबसूरत बनाया जी, बहुत खून बहाकर बनाया ना। ए, पसीना तेरा बाप बोलेगा, खून पसीना बोल, खून पसीना बहा के बनाया है। हेलो हिंदू आगे ओबलमा, लीजिए लीजिए ना, लीजिए लीजिए, खाइए खाइए ना जी, खाइए।
हिंदू को अंदर ले जाओ। जी। चलिए बेबी, चलिए ना। ओ बावरिया, ओ बावरिया। ये मेरे पैरों में छेद बना के मेरा तेल निकाल रही थी क्या? नहीं नहीं, वो तो आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। हाँ, वो चेक कर रही थी कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। क्यों जीवन? सर जी, आपको उनका हर टेस्ट पास करना होगा। चिंता ना करो, मैं हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, चाहे ये मेरा ब्लड टेस्ट क्यों ना ले ले। वापा जी। मिस्टर आजाद, आज तुम 3 साल बाद शायद फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। देखो, इस बात को यहां से नहीं बल्कि यहां से दिल से महसूस करना। दिल से, दिल से। और यहां से बाहर निकलने के बाद एक शराफत। हाँ, टोटल रटेला है मेरे को। शराफत का जिंदगी जीने का, इज्जत ईमानदारी के साथ धंधा करने का, वगैरह वगैरह, यही ना। अभी बाहर जाके मैं जो भी करेगा वापस अंदर ना को आएगा मैं। हाँ, अच्छा होगा। तुम उस सेल से बाहर निकलोगे तो उस सेल की पेंटिंग भी हो जाएगी। एक बात बोलने का है, एक सिगरेट मिलेगा। सुनो, बाहर चलते हैं। तुम्हारी बहाने एक मैं भी पी लूंगा। क्या हुआ आजाद? बुरे काम में आजाद किसी को शामिल ना को करता। वाह, ऐसे विचार आजकल कहां मिलते हैं? हिंदू कर रहा है डिस्टर्ब। ओए उतरी। ओ बलमा, ओ बलमा, ओ बलमा। बोलो सोनियो। लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे? चलो चलो चलो। चप्पल तो पहन लो। ओ गाड़ी में जाना है, पैदल थोड़ी। ओ बलमा। वैसे आपको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक। एक बात बताऊं, मुझे भी बड़ा शौक। आज की बात नहीं रहेगी। इंदु जी, संभाल के सारा सामान यहाँ आ गया। हिंदू जी, आप गाड़ी बड़ी अच्छी चलाती है। गन भी अच्छी चलाती हूँ। एक्शन एक्शन है हिंदू जी, आप बिल्कुल मेरी टाइप की है। क्या मतलब? मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? रफ्तार सोने हो, रफ्तार। अब देखना यह है कि यह गाड़ी सिर्फ चलती है या फिर भागती भी है। We'll be right back.
गलियां सोड़ो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। सत श्री अकाल। यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तूने ये सब करा यार, सब सेट कर लिया, विश्वास नहीं हो रहा। अबे रोते हुए जाएगा तो मुर्दे की खबर लाएगा, अब देखना हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो मंसूक भाई। और तुझे ऊपर क्या करो पाजी? भाई शुक्र करो कि अभी मैं बहुत ऊपर नहीं चला गया पाजी, जिंदा हूँ अभी तक मैं, बहुत बड़ी बात। मैंने हमें बताओ कोई कमी रह गई, बताओ तुझे क्या हुआ? ऊपर ऊपर आओ बताता हूँ यार मैं। चल देखते हैं। चलती आओ यार। ओ देख आराम से रहियो। हाँ पाजी बताओ क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ पाजी, खातिरदारी में कोई कमी रह गई? इतना मुंह क्यों लटकाए हो आप? नहीं पाजी, जिंदगी में ना पहली बार किसी से इश्क हुआ है पाजी, उसी ने जलील कर दिया यार। कौन कौन कौन? हमें बताओ। मिली बस इतनी सी बात, एक बार भत्तर जी की शादी हो जाए उसके बाद तुम्हें और मिली को भी सेट करा दूंगा। सच्ची? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं पाजी। भत्तर पाजी की शादी जल्दी करवाओ ना। हाँ उसके बाद आप मिली के साथ। पाजी आपने कह दिया तो हमको विश्वास हो गया पाजी, अब तो इतनी तमन्ना है बस भत्तर पाजी की शादी हो जाए। इंदू भरजाई को लेके पंजाब जाएं, अपने काम धंधे में ध्यान दें पाजी। हाँ आपकी ड्यूटी का भी नुकसान हो रहा होगा ना जी? नहीं नहीं नुकसान की बात नहीं है पाजी, नुकसान तो हम दो ट्रकों में पूरा कर लेंगे। अब तो इतना बस जाके अपना भत्रपाजी खेतों में ध्यान दें, फसलें उगाएं, इंदु प्रजाई उनके लिए खाना बना के लेके जाए खेतों। और पुलिस की नौकरी? वो साली पुलिस खुद करे, हम पुलिस के बाप के नौकर हैं यार। आप लोग पुलिस में नौकरी नहीं करते? टट्टू पुलिस में।
पुलिस का क्या है जी, बाजी वर्दी पहन लो, पुलिस वाले बन जाओ, अच्छे इंसान होना बड़ी गल है, जैसे ये लोग हैं। पर इस 70 बाजी ने मुझ अनाथ को पाल पोस के बड़ा किया, 71 बाजी ने पिस्तौल चलाना सिखा दिया और 72 बाजी ने अपने साथ ट्रक लूटने के काम में लगा लिया बाजी, मुझको जिंदगी बना दी अनाथ की। और बाजी अब तो यही है, बस 72 बाजी की शादी हो जाए, हिंदू पापी को लेके पंजाब जाए और भाई साहब को बोले 72 बाजी मेहनत करो, कब तक बॉर्डर पार से आने वाले ट्रकों पे जिंदा रहेंगे हम लोग। बाजी कल को कोई ऊंच नीच होगी ना बाजी, सर अब दी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बाजी। तेरी कमाल की दर हुई यार मुंबई की, मंडी मैंने डली ये हो गया। ओए नहीं अजमोती तो क्यों पीते हो? बत्तर सिंह और क्या हुआ मसूख, और चिल्ला क्यों रहा तू? तूने मुझसे झूठ बोला, नाम 72 काम 35। 72 सिंह आवारा कुत्ता मर्सिडीज के पीछे भाग तो सकता है लेकिन उसे चला नहीं सकता। तूने क्या सोचा था मैं तुझे नहीं पहचानूंगा? 72 सिंह, तूने वो कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? कि आम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, रहते वो डाल के नीचे ही है। नहीं, ये कहावत तो नहीं सुनी है लेकिन मैंने इससे मिलती जुलती कहावत सुनी है। वो कहते हैं कि इसे वो ही समझना और चुपचाप ये शहर। ओए! पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना चुपचाप जाते हैं। 72 सिंह मनसुख, तो सिर्फ मुझे अपने सपनों में ही मार सकता है, हकीकत होती तो मैं तुझे कप कप पी जाता। पी जाता कैसे? एंग्री आमरस। मनसुख भाई नहीं लागी गई। तुझे किसने मारा? 72 ने। मुझे टीटी भाई ने मारा। टीटी भाई, आपको हमारे बारे में गलतफहमी हो गई थी और हमें 72 के बारे में गलतफहमी हो गई थी। टीटी भाई इतनी बड़ी सजा मत दो टीटी भाई। hey! तुम्हारी गलतफहमी ने अपुन को गलत फैमिली दिलवा दी। मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरे दुकान का सामान मेरे ही काम आने वाला है। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद कर। जीवन बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है यार। ओह, उसकी बहन की कोई शक? अरे उसकी बहन की शादी में जीवन लाल प्राणलाल डिकोस्टा क्यों कुर्बानी दे भाई? आप दीजिए कुर्बानी, आपको शौक है तो डेट वेल सून। लेकिन ठीक है जीवन, मैं दूंगा कुर्बानी लेकिन ये शादी जरूर करवा के रहूंगा। और अगर ये शादी करवाते करवाते मैं शहीद हो गया ना, तो कम से कम पापा मेरी फोटो घर में तो रखेंगे ना। इंदु बेबी किधर जा रही है आप? तू कौन होता है पूछने वाला? होता है, इस घर में सब कुछ मेरे ऑर्डर से होता है। 3 दिन के बाद तेरी सगाई है, आज के बाद तू किधर भी बाहर नहीं जाएगी। पर भाव, मैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी सुनना है तो तेरी शादी की शहनाई। भाव, आप एक झूठ बोलकर मेरी शादी कर लो, ये गलत है। देख इंदु, अगर एक झूठ से तेरी जिंदगी में खुशी आती है ना, तो मैं ऐसे 1000 झूठ बोल सकता हूँ। तेरा भविष्य मेरे लिए किसी सच या झूठ के बहुत ऊपर है। किसी अच्छे खानदान में तेरी शादी हो जाएगी ना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। हे छाने, मेरा ससुराल जरूर शरीफ हो जाएगा, मायका तो वैसे ही रह जाएगा ना। कौन बोला रहे तेरे को? मैंने डिसाइड किया है कि तेरी शादी के बाद मैं खंडाला में सेटल हो जाएगा। अभी तक मैंने एक माफिया बनकर एक स्टार्सन मांगा है, अब मैं एक शरीफ आदमी बनकर पड़ोसी से अखबार मांगना चाहता हूं। बॉडीगार्ड के प्रोटेक्शन की छांव में नहीं, अपने गार्डन के पेड़ों की छांव में बैठना चाहता हूं। भाव, आप ये सब बोलकर झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। और वो मुझे करने का भी नहीं, मुझे सिर्फ तेरी शादी कराने का है।
और आज के बाद तू सिर्फ बाहर तभी जाएगी जब ही तेरी डोली जाएगी, समझे? पाजी सगाई को 3 दिन बचे, शादी के बाद देखना कि आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और इंदु जी आपके लिए इतनी लक्की साबित होगी, देखना। फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो, अबे गूंगा है तो फोन क्यों करता है बे? कुतरा वांद्रा बिलाड़ा। किसका फोन था? बिना वजह परेशान करता है, पता नहीं कौन है, खंबे पे चढ़ा है कमीना। पाजी इंदु जी के चेहरे से ये तो जरूर साबित होता है कि वो आपसे मनी मन बहुत प्यार करती है। मनी मन करती है ना, मन से बाहर क्यों नहीं निकलती चीज? परेशान हो गया, सारे टेस्ट उसके पास कर लिए, अब क्या जान लेगी मेरी? शर्माती है पाजी, आपसे शर्माती है। आप उसको किसी होटल में ले जाओ, खाना खिलाओ, रोमांस करो, फिर देखो, फिर प्यार भर आ जाएगा। पक्का? आपने वो गाना नहीं सुना? कौन सा? किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए हैं। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। हाँ तो चले डिस्को। पाजी जिसको डिस्को ले जाना है उसको तो बोल दे। क्या है? जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए ना। जी अपना तो बोलना, मुझे शर्म आती, बोलना। जी आपको डिस्को ले जाना चाहते हैं। डिस्को? जी। चलो पाजी चलो। हेलो। हाँ इंदु आजाद। मैं घर पे हूँ। अरे घर पे क्या कर रही तू? मैं क्या पागल है जो छूट के आया तेरे वास्ते? अरे मेरी बात तो सुनो, घर पे मेहमान आए हैं। आप ही के बारे में कह रही है कि गेस्ट आए हुए हैं। मैं किसी को बोला नहीं लेने आने को, मैं सोचा मेरी हिंदू आएंगी, अभी क्या बस से आएगा क्या? मैं कुछ ना को सुनेगा मैं। वो भी क्या पी इधर आ? मैंने बोला ना प्रॉब्लम है कुछ। अरे इधर मेरी अखी लाइफ में मक्खी से प्रॉब्लम हो रही और तू मेरे को अपने घर की प्रॉब्लम बता रही। अरे तू आ रही कि नहीं बता मेरे को? आज ही शादी करेंगे हम लोग। आज क्या हुआ, इतना लाउड रिएक्शन को दे रही तू? इंदु प्यार करती ना मेरे से? हाँ हाँ प्यार तो करती हूँ ना। आप ही के बारे में कह रही है कि प्यार करती हूँ अपनी सहेली से? हाँ कुछ ना को सुनेगा मैं। तू अब भी क्या इधर आ? एक मिनट, कितने बजे जाना है? 9 बजे क्लब एस्केप। 9 बजे क्लब एस्केप। ओके डन, आप लोग निकलो। चलो बाजी। अबे ये आ जाएगी ना? 100% आ जाएगी बाजी। चलो कहीं मैं रनवे की तरह वहां खड़ा ना रह जाऊं। बाजी बिल्कुल भी नहीं। हेलो 9:30 बजे मिलेंगे लोखंड वाला सर्कल। चल ठीक है टाइम पे आ जाना तू। सिगरेट। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। सर इस बार तो ये सचमुच चला गया। आतर, मुझे कौन उतारेगा? गांठ क्यों हुई हो? मैंने कहा था ना कार में चलते हैं। और मैं नहीं जा सकता साबुदानी में, मर्दों की सवारी होती है ट्रक, मैं तो ट्रक में ही चलूंगा। चलो चलो जी। ओ वेले कुछ काम कर ले।
हिंदुस्तानी कुड़ी की तंगी है, माफ करना बहन जी। ओ बलवा सर, ये लोग तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वापस आ जा। इंदुजी, मैं यहाँ, आप बाहर क्यों आ गई? जिसे बाहर आना चाहिए था वो तो आ नहीं रहा, मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। किसकी बात कर रही है? मैं मतलब नहीं समझा। समझाती हूँ। ओ इंदुजी, आपके मुंबई में कोई और जगह नहीं है देखने लायक जो आप मुझे जेल दिखाने ले आई है। अंदर चलो। अब अंदर भी जाना पड़ेगा। क्या हो, पुलिस वाले होके जेल से डरते हो? और तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, ले चले चाहे जेल में। सत्रह संतरी जी, सत्तर, इकहत्तर, बहत्तर,
ये है आजाद। सत श्री अकाल बाजी। मेरा बॉयफ्रेंड जिनसे मैं शादी करना चाहती हूं। और आजाद ये है बहत्तर सिंह पंजाब पुलिस में जो मुझसे शादी करना चाहता है। कैसे कैसे नमूना को लेते रहे आजकल पंजाब पुलिस में। तेरे जैसे पुलिस वाले ना आजाद की जेबा में पड़े रहते क्या? पाजी इस वक्त तो आप पुलिस की जेब में पड़े हो। शेर चाहे पिंजरे में हो शेर शेर ही होना और तू शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है समझा? मैं जंगलों के शेर से नहीं डरता। आप तो वैसे भी सर्कस के लगते हो। मुझे डर है अगर जोर से चिल्लाए मैं तो कहीं दो पैरों पे खड़े ना हो जाओ। लो जी खड़े भी हो गए। अरे तेरी तो, अरे मैं बाहर होता ना तेरा खेल आज ही खत्म कर डालता मैं। तू है क्या चीज बे? नाम बहत्तर जिला मलखानपुर गांव तासी। सर पे हाथ रबदा इधर देखो हाथ में 786। अगर आप बाहर होते ना तो बाबा जी से सिर्फ यही दुआ मांग रहे होते कि बाबा जी मैं आजाद क्यों हुआ। बहत्तर मैं तेरा खून पी जाऊंगा बोटी बोटी चबा जाऊंगा तेरी। पेट खराब हो जाएगा कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अरे मैं तेरे को बर्बाद कर डालूंगा साले तेरा खानदान मिटा दूंगा मैं। ओए काके साढ़े पंजाब में स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड पर भी 70, 71, 72 लिखा होता है ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसे मिटा दे। तू मेरा खानदान मिटाएगा मैं। अच्छा हुआ छाती पे मार के नहीं गया। जा साहिबान लोगों को बुलवान। हो बहत्तर आओ जी सोनियो शादी करनी है तुमसे। ओ जी साड़ी चुंगी पे तो आपने पहले बैरियर लगा दिया। मैं आपके उस पहलवान की बात कर रहा हूँ आजाद। हाँ करनी तो है मगर वो तो जेल में है ना। ओ उसकी फिक्र मत करो वो मैं 2-3 दिन में ले आऊंगा। तुम ले आओगे? लाना ही पड़ेगा जी। बच्चे जब ऐसे खिलौने की जिद कर रहे जो हमें पता 2 दिन भी नहीं चलेगा लेकिन इंदु जी लाकर तो देना ही पड़ेगा ना। आइए आपको आपके घर छोड़ देता। आइए 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 इंदु जी सोचिए मत। आइए आइए सारी सारी रात सोए न हम। सारी सारी रात सोए न हम। जो तैनु वेखिया सांसे गई थम। सारी सारी रात सोए न हम। सारी सारी रात सोए न हम। ठंडी हवावा मैं मांगू दुआवा। पलका दिछावा ठंडी हवावा मैं मांगू दुआवा रब्बा वे। सारी सारी रात सोए न हम। सारी सारी रात
सोए ना हम जो तैनु वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए ना हम एक पल में दिलिए बेताबियों को हाले तमन्ना कैसे बताएं सौ अफसाने हैं सौ सौ बातें हैं जाने तमन्ना कैसे सुनाएं पहली मुलाकात पहली याद पहली बारिश की फरियाद सारी सारी रात सोए ना हम सारी सारी रात सोए ना हम जो तैनू वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए ना हम सारी सारी रात सोए ना हम सारी सारी रात इंतजार करूंगा क्या जेलर कहाँ है जेलर मैं यहाँ हूँ ना मैं अंडर द टेबल तभी पब्लिक हमेशा कहती है कि पुलिस अंडर द टेबल ही काम कर नहीं 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 दरअसल आपने वो गोलियां चलाई ना इसलिए वो वैसे आप हैं कौन बहतर सिंह पंजाब पुलिस एक मुजरिम का एनकाउंटर करना है मुझे किसका जिसने हमारे मंत्री को चपेड़ मारी है मंत्री जी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसका एनकाउंटर करना मुझे लेकिन वो तो आजाद है आजाद है लेकिन मंत्री जी के खुफिया ऑफिस से मुझे पता चला कि वो जेल में अरे नहीं मेरा मतलब उसका नाम आजाद है हाँ। ओह पंजाब पुलिस के साथ मजाक अरे नहीं नहीं उसके साथ मजाक हो रहा है कोई बात नहीं कर लीजिए आप बुलाइए उसे उसे मैं उड़ाता हूँ एक मिनट पुलिस में होने के नाते तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि इस तरह के कैदी को बाहर ले आने के लिए पेपर की जरूरत होती है पेपर कहाँ है ये क्या था पंजाब पुलिस की रफ्तार और आपका पेपर अरे ये पेपर नहीं मैं तो पंजाब की केसरी पढ़ता हूँ आपको अगर महाराष्ट्र टाइम मंगाना खुद ही मंगा लो अरे यार वो आजाद का एनकाउंटर करने का पेपर कभी इलीगल एनकाउंटर के पेपर का नाम सुना आपने नहीं तो कैसे जेलर हैं आप लेकिन अब मैं समझ गया आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ आप वही है ना जिनको बहुत शौक है अपना नाम और तस्वीर पेपरों में छपाने का कोई बात नहीं एक काम कीजिए आप एनकाउंटर कर लीजिए आपकी तस्वीर आ जाए मेरा क्या है पत्थर सिंह की तस्वीर तो आती जाती रहती है एनकाउंटर यहां से नहीं वहीं से होना चाहिए पक्की बात है पक्का अब उसको आप बुला रहे या मैं खुद बुला के ले आऊं कहो तो आपके लिए एक चाय भी ले आऊं अरे अरे लेके आना उसको मैं क्या बोलता हूं इस बार उड़ा ही देना साले को और किसी को जेल में उड़ाना तो नहीं है हाँ सब ठीक ओके क्या जरूर साहब याद किया आप इसे टूथ ब्रश मत समझना ये दांत साफ करने के लिए नहीं खोपड़ी साफ करने के लिए समझे ना चुप करके मेरे साथ चलना अबे मुंह खोल साले आदत से मजबूर अच्छा जी सत श्री अकाल ओके जी एक मिनट हाँ क्या हुआ
प्रवचन सुनो इनका। देखो तुमसे जो भी गलतियां जो भी पाप हुए हैं उसका पश्चाताप मंदिर में नहीं दिल से करने, यही ना। टाटा चल। यही बोलना था आपको? हाँ। अरे बेहतर चलना, नहीं तो उपदेश देके मार डालेगा इधर ही। सुधर गया। अफसोस देरी से। क्या कर रहा? गोली क्यों चला रहा? क्योंकि पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते हैं। इंदो, इंदो, मैं आजाद हो गया, इंदो, मैं आजाद हो गया। मैं बोला ना तेरे को। बहतर जी, थैंक यू। इंदु जी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आपकी खुशी के लिए तो मैं पूरा का पूरा जेल खाली करवा लाता। ए? थोड़ा पिछू हा? पिछू? जेल से छुड़ाया ना तू मेरे को? बाद में मिल, बहुत माल लेंगे तेरे को। ओए खोतिया, ताजमहल तो मैंने तुझे दिया है, तू अपने आप को शाहजहां समझ रहा है? ये क्या रे? बहतर, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। इंदु जी आपकी माफी मांग रही है, ये सब तो रब की मर्जी है। वैसे भी ऊपर वाले ने मेरे हाथ में अपनी रहमत तो दे दी, मगर मोहब्बत देना भूल गया शायद। और मैं बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह डांस करता रह गया। अच्छा जी, अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतने अच्छे से डांस कर लेते हो। आपने मौका ही कब दिया? जब आपसे पहली बार मिला आपने गमला दे मारा, उसके बाद आपने बंदूक तान दी, उसके बाद तेज गाड़ी में ले जाके मुझे डराने की। हां हो गया हो गया, चल इंदु। अरे एक मिनट, तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कितनी इंसल्ट कराई मेरी वहां डिस्को में। ट्रक पे डिस्को जाते हो? ट्रक पे? और वो भी ऐसा ट्रक जिसने दुनिया के सारे कलश थोप दिए हो। ट्रकों की बेइज्जती मत करना, ट्रक पंजाबियों की शान होती है। वाह वाह, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रकों से हमारी रोजी रोटी चलती है। अरे ऐसी की तैसी की रोजी रोटी चलती है। कैसे? तुम तो पुलिस वाले हो ना? 12वीं फेल को कोई पुलिस वाला नहीं बनाता, और वैसे भी काम मैं पुलिस वालों का ही करता हूँ। बॉर्डर से जितना भी स्मगलिंग का माल आता है उसको पकड़ के पुलिस में ही देता हूँ, देश का भला करता हूँ मैं। अरे हटा साला, पुलिस है, चोर है अपने। यानी कि तुम पुलिस वाले नहीं हो? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब कौन सा कमिश्नर से शादी कर रही हो तुम? अरे गुंडे की बहन गुंडे के साथ ही जाएंगी, कमिश्नर के साथ नहीं, समझा? कौन गुंडा? इसका भाई टीटी, और कौन? ऐसे क्या देख रहा है इसको? टीटी को ना शरीफ खानदान चाहिए था, तो इसलिए ऐसा वर्दी पहन के चूना लगाया तुम लोग को। पता है इसको? ये सही बोल रहा है, टीटी पुलिस में नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ टीटी पुलिस में है कि नहीं? अरे हाँ, तो तूने भी तो नहीं बताया कि तू पुलिस वाला नहीं है। मेरे बताने से क्या हो जाता? कुछ नहीं। तो फिर? अरे कुछ नहीं। ए, वो तो क्या तेरा ड्रामा, चला भी चल। असद ये क्या तरीका है? देख रहे हो ना कि मैं बात कर रही हूँ? जरा भी तमीज नहीं है तेरे को। तो मेरे को तमीज सिखाएंगे? तमीज सिखाएंगे मेरे को? वो इंदु जी, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसको। सही किया, चलो अपने घर चलते हैं। अपने घर? हाँ अपने घर। बच्चे को पता चल गया है कि वो एकदम बेकार फालतू और दो कौड़ी के खिलौने के लिए जिद कर रहा था। चलो जीवन फूलों का ऑर्डर देने के बाद बैंड वाले को रिमाइंडर दे देना, कल शादी में मुझे कोई। तूने झूठ बोला ना कि बहत्तर पुलिस वाला है? तूने मुझे भी झूठ बोला ना कि टीटी भाई साहब पुलिस वाले? सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है। सही बोला था उन्होंने। अब तेरे इस नमक जितने झूठ का पता किसी को चले, उससे पहले उसमें ढेर सारा आटा मिला दे और हम दोनों की शादी करवा दे, समझे? क्योंकि अब अगर शादी से पहले किसी को पता चल गया ना तो तू गया। यानी कि आप लोगों को सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग रेडी हो? रेडी।
एवर रेडी। ये बारात आने वाली है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो, अबे कौन है तू? मेरे बाप, बोलता क्यों नहीं है? खून पी गया मेरा। अबे तेरे पास तो काम नहीं है, मेरे पास तो है। उतरा वांदरा बिलाड़ा दफोड़ चल। रोज 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 अपने बेटे से गाली सुन के क्या मिलता है आपको? सुकून मिलता है जिगना। वो ठीक तो है, अभी तो वो काम भी करने लगा है। काम तो वो आपके साथ भी कर ही रहा था ना। थोड़ी गड़बड़ जरूर करता था, लेकिन उसके लिए उसे घर से निकालने की क्या जरूरत थी? हो अरे जिगना, कच्चे लोहे से काम की चीज बनाने के लिए लोहे को आग में तपाना पड़ता है ने? मेरा बेटा मेरे घर में नहीं है, उसका दुख नहीं होता होगा मुझे? कल को उठ के जिंदगी में कुछ बनेगा ने, तो उससे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी। होगी कि नहीं है? अरे बाप उसका। बाजी बिल्कुल अलादीन लग रहा हूँ मैं। बिल्कुल वीर जी ना। बाबूजी, आपकी आंखों में आंसू। बाबूजी, मैं विदा होके नहीं जा रहा हूँ, आपकी बहू को विदा करके लेके आ रहा हूँ। हाँ बेटे, हमारे खानदान में तेरे दादे परदादों ने कभी अपने बेटों के सर पर सस्ता हुआ ये ताज नहीं देखा। बेटे हमने या हमारे खानदान ने या तो कुड़ी की सड़क पे मांग भरी है या टैक्सी में लेके भागे। तेरी वजह से आज हमारा रिश्ता एक शरीफ और बड़े खानदान से जुड़ने जा रहा है। ओए पहली बार हमारे घर में हिंदुस्तानी बहू आई। अब हंसते रह करो बाबूजी, बस हंसते रह करो। भाऊ आप चिंता मत कीजिए, देखिए तो इंदु बेबी कितनी खुश है। लगता है इस बार तो इनकी शादी हो ही जाएगी। हाँ बख्तावर, मुलगी शिकली प्रगति साली। झाली भाऊ झाली। जल्दी आ, देख तुम भी सनसनी खबर का हिस्सा बनने जा रहे हो। किसी को पता ना चले कि तुम प्रेस वाले हो। कोई भी पूछे तो बोल देना शादी में वीडियो बनाने आया हूँ। भगत कहाँ है? अरे भगत नीचे है, मैं उसको समझा के आती हूँ। तू फटाफट कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर फटाफट, जल्दी। भगत तू है? हाँ मैं हूँ। अरे मैंने पूरे लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त कर लिया है, अब देखेगी पूरी दुनिया टीटी का ड्रामा। अब आएगा असली मजा। मैंने राघव को बुला लिया है। राघव को बुला लिया? चलो उसको काई को बुलाया, मैं हैंडल करता ना कैमरा। मैं हैंडल करता ना कैमरा? अरे तू खड़ा होगा तो पूरी दुनिया को पता नहीं चल जाएगा। तू बैठ, मैं करती है, समझा? देख देख मिली, मेरे करियर का सवाल है। तू बैठ, मैं करती है। मिली 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 मेरा करियर। हे जी रे जी जी रे। मंसुक वो घोड़ी वाला ना, मंसुक 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 भाई। जीवन यकीन नहीं होता यार कि ये शादी मैं करवा रहा हूँ। हाँ यार, लेकिन जाट मारा तभी जानो जब उसकी 13वीं हो जाए। मतलब भाई ये शादी हम दो बमों के बीच करवा रहे हैं, एक बम है एक एटम बम है। बस दुआ करो कि कोई फटे नहीं। मतलब मैं निकल। ओ बेटा मैं शादी में नहीं रहूं। रेडी होकर आ और गिफ्ट लेकर आ, जा। कौन कि कैसे खातिरदारी करेगा डॉन? देखिए कहीं कांदा भजिया तला जा रहा है, कहीं बेरहमी से सब्जी का गला काटा जा रहा है। गुंडों की शक्ल वाले हलवाई बुलाए गए हैं अपनी बहन की शादी में, सिर्फ खुलासा न्यूज पे। ये बताएंगे हम कि डॉन का जीजा कौन। देखते रहिए खुलासा न्यूज। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
इतने ही लोगों से हफ्ता लेकर डॉन ने सजाया है अपनी बहन का ये मंडप, और ऐसी कई सनसनी न्यूज है सिर्फ खुलासा टीवी के पास। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसी न्यूज बताऊंगी जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता। हट, अरे मेरे को एड़ा समझ से आया, उधर खुशी पर बैठे बैठे मेरा पैदा किस गया, और फुगड़ का चंदन किस हो गए तुम दोनों, चाय लो। अरे भगत के बच्चे, शराब पी के कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तू? तेरे को मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, चल जा रे। चौथे फेरे से दूल्हा आगे आएगा, मैं आ गया। लो जी। अरे भगत, ये शादी फिर से करो, मेरे को शूटिंग करने का। ए, तू तो बिल्कुल ठीक है, लोचा हो गया रे। ये तो अबाइश था ना, था तो सही। चमत्कार देवर है देवा, चमत्कार। ये पकड़ना, तू वीडियो बना, चमत्कार चमत्कार। टीटी भाई की गाड़ी से मेरा भाई टकरा के अपाहिज हुआ था, आज उन्हीं के घर आकर उनकी खुशी देख के नाचने लगा, उनके घर नाचने लगा, नाचने लगा, उनके घर नाचने लगा, नाचने लगा, टीटी भाई के घर नाचने लगा। बाजी ये सब छोड़ो ना, आप फेरे ले लो ना। ए गप्पस गप्पस, वाओ, तेरे चरण छूते रे बाबा, मेरे को माफ कर दे रे। एक्चुअली हम दोनों भाई बहन प्रेस रिपोर्टर है, हमारी नौकरी के वांदे हो गए थे, इसके वास्ते हमको ये नाटक करना पड़ा। पाजी छोड़ो ना, शादी के फेरे ले लो ना। हम दोनों मिली भगत को माफ कर दे, ये माफी मांग, माफ कर दे। भक्तावर ए नाना लेके जा रे, चल चल नहीं चल, भाई चल, भाई माफ कर दे, चल चल मिली। मिसेज भक्तावर, ए चल, अरे चल चल, अरे हट, चल, अरे तू हट, निकल यहाँ से। ओ टीटी भाई, ये आपके घर में प्रेस रिपोर्टर क्या कर रहे हैं? होता है बड़े लोगों के शादियों में ऐसा होता है, चोरी मिल जाती है ना प्रेस रिपोर्टर को, पापी पेट के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, झूठ बोलता है। पाजी ये सब छोड़ो ना, फेरे ले लो। बगल हो जाइए, हम प्रेखा दशवा मारू तो चार जी, तेरी सिटी में बजाता हूँ, पुलिस को अंदर के तो माइला कुटा टेवला वाला लपा लपा लपा। पांच फेरे हो गए, छह छह आखिरी फेरा। अरे जाओ माइला, ये केकुर नहीं छोड़ेगा, मैं सब कुछ जेल करवा के देख, मैं शादी मना रहे क्या? हाँ अंदर को इतना देते बंद किया मेरा हनीमून मनाने के लिए, ये जाओ माइला, साला मेरा एक नंबर दो नंबर का वान रख किया, मेरे को ऐसा जगह बंद किया, मेरे को कोने नहीं मिलता, ऐसा तय करने में मेरे को बंद करता है। जब माइला अंधेरा अंधेरा चारों तरफ दीवार घूमता तो मेरे को दीवार लगता है। मुंबई पुलिस जी ठंड रखना यार, तुम्हारा दोस्त है नाराज है, मना लो यार। ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। भक्तावर आजा भाई, आप भी ठहरो, बोलकर घुस जाओ ना। बॉस जेल में इतने दिन ठहरे हो, ठहरो नाम से नफरत हो गई होगी। बॉस साला अपुन तो इधर ठहरे और वो लेंगी फेरे। अच्छा ठहरो, बंक बंक बंक, क्यों है सतर बेकार, ओ बतर बंद करिए बर्बादी। वीर जी ये कमीना कहां से आ गया? ए तुम कौन हो? इंस्पेक्टर जुगनू सिंह, पंजाब पुलिस। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका रिश्तेदार है? ना जी नहीं, मैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। ओ इन कमीनों के साथ तो रिश्तेदारी तू करने जा रहा है। ओए ओए ओए, हट, वो इनको पूरे भारत महान में कोई अपनी लड़की नहीं देता। मनू में क्यों? क्योंकि ये वो खानदानी बंदे हैं जिनके सारे गलत धंधे हैं। लेकिन ये तो पुलिस वाला है। पुलिस वाला ये? और पुलिस वालों की शक्ल ऐसी नहीं, ऐसी होती है। ना तू बता भला, दसवीं फेल को कोई पुलिस में लेता है? ए क्या बोल रहा है ये? ये झूठ बोल रहा है, मैं दसवीं फेल नहीं हूँ, मैं बारहवीं फेल हूँ। हाँ?
लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि आप लोग पुलिस वाले हो। वीर जी ये फर्जी है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ बोला आपने। बेटे की शादी कराने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला है, शर्म नहीं आती? आप लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। ओए टीटी साहब आराम से ठंड रखो, दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में जाके देखो। पुलिस वाला कहते हो ना अपने आपको, जानता हूँ कौन सा बड़े पुलिस वाले हो। मनसुख ने सब कुछ बता दिया है, आप पुलिस वाले नहीं गुंडे हो, गुंडे। जब महिला टकलिया मेरा मुंह मिटा क्या कह रहे तू? अरे मैं पहले बोल रहा था ये गुंडा है, तेरे बात को सुनता ही नहीं। अरे इसका बोल बचन तुमको सत्य वचन लगता था क्या? अरे तेंदुलकर तेरे को ये कामली भारी पड़ेगा। अरे तू इतना बड़ा बड़ा क्राइम किया मगर ये तुच्छा फालतू झूठा काम करता है, वो भी मुंबई पुलिस का ड्रेस पहन के है। ए जा माइला काय के लिए रे? मजबूरी थी क्योंकि आप उनकी बहन को कोई शरीफ खानदान का लड़का नहीं मिलता। वैसे भी मैंने झूठ कहां बोला, ये मनसुख ने झूठ बोलने को बोला तो मैंने बोल दिया। टिटी भाव, वो आजाद पंडित जी को उठा के ले गया। हाँ और इंदु दीदी को भी। यजमान हमें क्यों उठा लिया, अभी तो वहां फेरा कराना बाकी था। अबे पंडित अभी तो तुझे आजाद जी के पूरे फेरे करवाने। आजाद मुझे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे जा रहे क्या कर लेगा बहत्तर मेरा, कर क्या लेगा? बताने की जरूरत है क्या? दिमाग पे जोर डाल, याद आ जाएगा। आजाद बोलता है 200 आदमी और भेज फौरन। इंदु आ गया अपन की शादी का मंडप। उनसे पहले कैसे आ गया? कभी ओवरटेक किया रे इसने? अपन ने नहीं देखा भाई। अरे दुनिया में तीन चीजें होती तो हैं, मगर तुम्हें कभी नहीं दिखेंगे। भूतों का संसार, सच्चे वाला प्यार और इनकी रफ्तार। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी क्या बोला था? बहुत माल देगा। ऐसा नकु बोला था कि अपना माल देगा। वो माल नहीं, मेरी बीवी है। अरे काई की बीवी? गिनती आती मेरे को, एक फेरा बाकी अभी। इसलिए तो साले तू भी अभी तक बाकी है। छोड़ दे इंदु जी को। इंदु जी शाणे तेरी तो नहीं, अपन काई को उलझेगा तेरे से? तेरे लिए तो अपना पंटर लोग काफी है। Ha!
इंतजार कर रहा, चल मेरे लेने अपने को। आजाद। चल फटाफट, अरे अभी आ जाएंगे वो, सब खेल खराब कर देगा। सच में है बड़ी उलझी उलझी तेरी लाइफ की भूल भुलैया। और चुपचाप यहां से चला जा पुलिस, ये पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते हैं। जाते, 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 जाते।
मैं बहतर। अरे तेरा भाई याद है बहतर? बहतर मैं तेरा प्यो फादर। ओ चाचा, चाचू, तेरा चाचू इकहत्तर सिंह आदिक अंकल। पहले से गिनती कम थी क्या, जो एक नंबर और बढ़ गया इनका? अरे लेट जा वरना फिर से पिटेगा, लेट जा। अरे मैं मर गया रे पुत्र जी। पहचान लिया पंजाब के तुम तीनों बहुत बड़े बुजुर्ग हो। ना 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 पुत्र, सरकारी पिस्तौल है। जब तेरा पास पहचान गया है तो तू भी पहचान जाएगा। मेरी याद नहीं आई, कहाँ था तू? मेरे भी तेरी उंगली के छूटी, मेरी जिंदगी से पंजाब ही छूट गया। एक डाकू ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और पुलिस में भर्ती कर दिया ताकि अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। मैं तो अपना नाम और तुझे छोड़कर सब कुछ भूल गया था बेबे। लेकिन उस रात के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेबे। मेरे बेटा, किधर था तू? मैं तेरी माँ। मेरी माँ? माँ बाबूजी, तेहतर बेटा, देखो तेरा प्राण है। बहतर सिंह, बहतर, तेहतर, तेहतर, मेरे प्राण, मेरे शेर। आखिरी फेरा क्या तेरा बाप लेगा? चल बेटा, चल चल चल। नहीं जी, मैं ही लूंगा। अब शास्त्र विधि के अनुसार आप दोनों जन पति पत्नी हुए। अरे बेटा, मेरे पैर क्यों छू रहा है? पहली शादी मुबारक हो मनसुख। पापा मनसुख, अरे बेटा, मैं तो तुझे फेंका हुआ कांच का टुकड़ा समझता था, लेकिन तू तो तराशा हुआ हीरा है, मेरा हीरा। पापा, अरे बेटा, 100 वर्ष नो था और 1,25,000 शादी कर। हाँ, दूसरों की थैंक यू पापा। ए मेंशन नॉट इंदु, मुझे तेरी शादी एक अच्छे खानदान में करानी थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि अच्छा खानदान वो होता है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो, और इस खानदान में बहुत प्यार है। जा, खुश रह। It's time for hookah man!